हेलो बाप रे, एक देखा डिग पापा ने सुबह आयुर्वेद सुबह 5:30 बजे, 5 बजे ही नहा लिया है। सामने वाली पहाड़ी में धूप आ गई। रुद्रन कैसा लग रहा है? मम्मी के क्या पूछ करेले नून मेरे को हड़का हालो एक बार कर छोटे बुबू शॉर्ट शॉर्ट के चक्कर में हमें कहाँ ले जा रहे हैं? अरे चल, यार तुझे हो दिख रहा है हमारा घर? हाँ और हमारा घर है वो नीचे देखो, मैंने इसमें फल आ रखा है पर ये पकता है। इसको हम ऐसे तोड़ के गड्ढा बना के खेत में उसमें डालते थे, फिर 10-15 दिन के बाद देखो तो पके मिलते थे। हाँ आहा, इतना टेस्टी। आहा हा हा हाय 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 हाँ कहाँ इतना अमरूद यार। कहाँ यार तो पाग रही हूँ आहा हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। सो दिन की शुरुआत हो गई है आज अपने घर से, अपने गांव से, अपने पहाड़ से। सो देखते रहो ब्लॉग, बहुत मजा आने वाला है। कल हम आ गए थे हल्द्वानी से घर। पापा ने सुबह उठते ही 5 बजे उठते ही ये देखिए आग जला के केतली रख दी, इसमें रख दिया है पानी क्योंकि आज पानी आग जगा धो धगानो चाह धो तू गर्म पानी लगा वहाँ बाथरूम में लौट में एक कंडर खलवा नाला नाला। हेलो एक डिग बाप रे, एक देखा डिग पापा ने आयुर्वेद सुबह सुबह 5:30 बजे, 5 बजे ही नहा लिया है। गुड अब मॉर्निंग। एक डिग हाथ मुंह धोता फटाफट नाला मैंने कहा रास्ता नहाल सुबह का टाइम रखिए ऊपर वाले पहाड़ में, इधर वाले पहाड़ में, इधर से दिखेगी धूप। दिखाऊं आपको मैं, ये देखिए ऊपर पहाड़ी में, क्योंकि मम्मी पीसने लग गई सुबह सुबह मांस। ये देखो क्या बेली तुम्हारे का माननी ने मम्मी के क्या पूछ कर ले नून मेरे को हड़का हालो एक बार फोन न करो कोई तो तेरा भाई हुआ है। तो दोस्तों मैंने भी पहन ली, मतलब मैंने भी हुड पहन लिया जिसमें कैप भी है, तो ठंडा तो हो ही रहा है। उतना ज्यादा ठंडा भी नहीं हो रहा है, अभी वो वाला ठंडा नहीं हो रखा है ना जिसमें हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, तो वो वाला ठंडा नहीं हो रखा है, फिर भी ठंडा हो ही रखा है। और अब है पूजा पाठ की तैयारी, उसी की तैयारी करते हैं। रुद्रांच पापा ऑन फेंके तो पछाड़ने तो मन करता है पहली ने पछाड़ना सी है उसको करो पहली को फिर पछाड़न फेंके घूम मुझे मिला एक काका जी ने वो अभी अभी वहां से तोड़ा है। सुन सुन अल्लाह जय जय करो अमरूद हो रहे हैं। अमरूद तो यहां पे एक भी कमी नहीं है, एक पेड़ पूरा अमरूद हो रखा है यहां पे देखो पूरा। तो दोस्तों मैंने तो नहा लिया है और रुद्रांश आ गया मेरे पास। अब मेरी ड्यूटी लग गई है इसको पकड़ने की, क्योंकि और लोग भी नहाएंगे और जल्दी से तैयार होंगे, अभी तो धूप आई नहीं है। और हमें जाना है इधर है मंदिर, देखो एड़ी राजा एड़ी देवता का मंदिर यहाँ पे हमारा ठीक सामने, और यहीं से सूरज आ रहे हैं देखो यहाँ पे है, तो वहाँ चलते हैं। हम जाएंगे यहाँ से सीधे पैदल 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 यहाँ ऊपर चढ़ाई में, पूजा पाठ करके आएंगे फिर दिन में, और वहां से आपको फिर सीन दिखाऊंगा अपने गांव का। ये नीचे गधेरे में दिखता है खाई में टाइप का। रुद्रांश तू बाद में आएगा। हाँ हाँ बाबू लोग हो गए तैयार पूजा में जा रहे, पापा मैं भाई और प्रियांशु, ये लोग यही गाड़ी में बैठ बेल गाड़ी में। तो यहाँ से मंदिर की दूरी होगी 4 किलोमीटर, कम से कम 3-4 किलोमीटर तो होगी खड़ी चढ़ाई। तो ट्रैक है 4 किलोमीटर का, चलते हैं एडवेंचर करते करते। पहले हम जाते थे वहां के मंदिर, देखो ये है हमारे नैनियाल वाला मंदिर, अभी भी अगर मामा लोग पूजा देते हैं तो वहीं देते हैं ऊपर ऊपर वाली चोटी में मंदिर है देखो। कुमार यही चुपता है देख तेरे को, जो कहता है कुमार चुप गया कहता है, देखो ऐसा पेड़ होता है देख इसका, तो ये चुप जाता है कपड़ों में लग जाता है फिर ये चुप। प्रियांशु अपने गांव वाले दोस्त से हाथ मिलाओ, ये कैसे हो कैसे हो बोल।
चलो पयार है फिर धीरज, ये है प्रियांशु का दोस्त धीरज जो गांव में रहता है। चल चलो अब चलते हैं। ये डंडा क्यों लेके आया, सहारे के लिए? नहीं तो, ये चढ़ गया लो डंडा। तो पहाड़ों की गुफाएं यही होती हैं, देख। तो पुराने लोग ना ऐसी पत्थरों के बीच में इसमें नीचे रहते, यहाँ रहते थे देखो। पर ये तो ज्यादा लंबी गुफा नहीं है, पर उसी की तरह है देखो, पूरा पत्थर है और इसी में अंदर रहते थे पुराने लोग। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं बुबू? शॉर्ट के चक्कर में हमें कहाँ ले जा रहे हैं? यही तो, अभी पहाड़ों में चलना इतना आसान होता है। तो अब मिल गई हमें धूप, मतलब हम 1 किलोमीटर चढ़ाई ट्रैक करके आ चुके हैं। तो अब चलते हैं, और गर्मी भी होने लगी। ये देखो प्रियांशु को लग गए हैं कुमर, कुमर नहीं है लेसनी है, ये भी कुमर ही होते हैं देखो। इनको मम्मी ने मिल गया फ्लावर, ये फ्लावर लो, इसको ऐसे रखना, दूसरे पता है पर छाप आती ना इसकी, भी डिजाइन बन जाएगी हाथ में। ऐसे रखते इसको, मारो तुम ही मारो ना, रुको अब मारो, छोड़ो ये देखो डिजाइन कम है। हाँ चलो। तो दोस्तों थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं मंदिर में, और 3 किलोमीटर का सफर करने के बाद बहुत मज़ा आता है जब आप पहाड़ आते हो या मंदिरों में जाते हो, तो एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। सुबह उठ के जैसे आप उठ के नहाओगे और मंदिर के लिए जैसे आप तैयार रहोगे, तो आपके अंदर ताकत जुनून निकल आता है, वही है देवभूमि का असली प्यार। पूरा 1.5 घंटे में कवर, ये रास्ता कवर कर लिया है। तो अब चलते हैं मंदिर में, आपको भी दर्शन कराते हैं। तो कैसा लगा आप लोग आना पहाड़ों में, अपने मंदिरों में आना, पूजा पाठ करना, और बहुत मज़ा आता है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अड़ी राजा के वहाँ मंदिर में। जय हो भगवान। चलो पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं पापा लोग, और ये है अड़ी राजा का मंदिर जो ऊपर टॉप पहाड़ी में है। और यहाँ से हमारा घर कहाँ है प्रियांशु? कहाँ पे है पे। तुझे दिख रहा है हमारा घर? हाँ। और हमारा घर है वो नीचे, देखो मैंने कहा था ना उठाओ अपना घर, ये देखिए नीचे देखो, ये है रुद्रांश कुछ कर रहा है। हाँ तुझे दिख रहा है यहाँ से? प्रियांशु कह रहा है रुद्रांश कुछ कर रहा है, क्या दिख रहा है? गाड़ी में घूम रहा है, बोल गाड़ी में घूम रहा है। जी उन्हें भोग भी बना दिया है, भोग में बना है पूरी टुणुक और ये रोटी। चलो और पूजा पाठ भी हो गई है और भोग भी लग गया है, अब चलते हैं घर को। और मंदिर की प्रसादी रोटी और उसके साथ दही मिला के हाँ टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है मंदिर का भोग, तो खा के अब चलते हैं घर को। तो एक तो ये पिरोल गिरा है, पिरोल मतलब चीड़ की पत्तियाँ जिसको पिरोल कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फिसलन होती है, तो ये ध्यान से देख के चलना होता है। तो अभी पहाड़ आए, अगर पहाड़ी में चढ़ गए तो उसके बाद जब नीचे उलटते हैं, नीचे उतरते हैं, तो ये मत सोचना कि अरे ये तो ढलान है एकदम से दौड़ लगा देंगे, पर दौड़ लगाओगे फिर संभल नहीं पाओगे। वो का पेड़ और ये इसमें फल आ रखा है, पर ये पकता है, इसको हम ऐसे तोड़ के गड्ढा बना के खेत में उसमें डालते थे, फिर 10-15 दिन के बाद देखो तो पके मिलते थे। याद आए वो दिन? क्या कर दिया और ये देखो मिहो। तो गाइस ये है हमारा गांव। कहाँ है तुम्हारा गांव? ये है हमारा गांव, और वो रहा लास्ट में हमारा घर। तो आजकल गांव में हर जगह माल्टे नींबू, कागजी नींबू ही दिख रहे हैं, संतरे ये देखो फिर से दिख गए हैं, ऐसे तोड़ो खाओ।
कितने बड़े माल्टे हो रहे हैं देखो। दोस्तों पहुंच गए हैं घर, अपने घर पहुंचते ही सबसे पहले खाते हैं अमरूद, फ्रेश अमरूद पेड़ के तोड़े हुए। और भाई यहीं पहुंच के खा रहा है, देखो पेड़ में बैठा है। कितने दाने खा लिए, कितने दाने खा लिए ये तोड़ा, अभी शुरुआत है। ये वाला देखो लाल अमरूद है, ये देखिए आहा इतना टेस्टी। इतने पत्थर लाई मम्मी, इसके पीछे इतना मेहनत है मम्मी की। ये देखो इतने पत्थर इकट्ठा करे, फिर बंदर भगाए, फिर जाके हमारे लिए अमरूद बचे। धन्यवाद भाई, पालंग बची। क्या हमें तो बताओ, बताओ कैसा हो रहा है? हो रहा नहीं? हाँ हाँ, 100 रुपया 1 किलो बाबू। हल्दी वाला अमरूद, हल्दी वाला। आई रामनगर अच्छे होने बे। टेस्ट यही में बापन घर वाले हैं।